हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल महविश किचन, डिलाइट इन एवरी बाइट। कई दिनों के बाद हम आपके साथ एक नई और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसे आप शाम की चाय पे एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या फिर मेहमानों को स्टार्टर और एज ए स्नैक सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान और लाजवाब रेसिपी है, जिसे हम चिकन और वेजीज से बनाएंगे। आप इसे सिर्फ चिकन या सिर्फ वेजीज से भी बना सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप पे शेयर करिए, और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए अब ये फटाफट बनने वाली डिलीशियस रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में एक चम्मच रिफाइन ऑयल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसे थोड़ा सौते कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज। प्याज को थोड़ा सौते करेंगे और इसमें ऐड करेंगे कटी हुई पत्ता गोभी, जूलियन कटे हुए गाजर और कटी हुई हरी शिमला मिर्च। इन सब वेजीज को एक मिनट सौते करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, बस कोशिश ये करें कि सब सब्जियाँ एक ही शेप में कटी हों। अब सीजनिंग के लिए ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 2 दरदरी पीसी हुई हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और सब्जियां हमारी पक चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप बॉईल करके मैश किए हुए आलू, इसे भी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स। नेक्स्ट ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें से हाफ मिक्सचर हमने निकाल के साइड कर दिया है, जिससे हम कुछ और बनाएंगे। अगर आप इस रेसिपी को सिर्फ वेजीज से बनाना चाहते हैं तो आपका मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब आगे की रेसिपी इसी मिक्सचर से कंटिन्यू करिए। रेसिपी कंटिन्यू करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉईल और श्रेड किए हुए चिकन और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर रेडी है, इसे प्लेट पर निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे। मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब इसे हथेली पर लेके कटलेट को शेप देंगे। शेप आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसे टिक्की का शेप दे सकते हैं या डोनट का शेप दे सकते हैं या इस तरह रोल भी कर सकते हैं। इसी तरह सब कटलेट को बना के रख लेंगे। अब बोल में तोड़ेंगे 1 अंडा, इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 2 चुटकी नमक और अंडे को फेंट लेंगे। अब तैयार किए हुए कटलेट को डिप करेंगे अंडे में। अंडे से अच्छी तरह कोट करने के बाद इसे फोक की हेल्प से निकाल के ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और अब कटलेट को ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह कोट करेंगे। इसी तरह सब कटलेट को अंडे और ब्रेड क्रम्स से कोट करके रख लेंगे। अब कटलेट्स को फ्राई करने के लिए मीडियम हाई हीट पर तेल गरम करेंगे और एक एक करके कटलेट को तेल में डाल देंगे। कटलेट का मिक्सचर ऑलरेडी पका हुआ है, इसलिए इसे फ्राई होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस इसे पलट पलट के इवनली फ्राई कर लेंगे और जब ये गोल्डन और क्रिस्प हो जाए तो इसे तेल से निकाल लेंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट चिकन वेजीज कटलेट तैयार है। इसी तरह बाकी कटलेट्स को भी फ्राई कर लेंगे। आपको गर्मा गर्म ही कटलेट तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल और टेस्टी लग रहा है। अब इन गर्मा गर्म कटलेट्स को फटाफट सर्व करते हैं। अब इन टेस्टी चिकन वेजीज कटलेट को शाम की चाय के साथ एंजॉय करिए। इसे सर्व करेंगे टमेटो केचप के साथ एंड फॉर द प्रेजेंटेशन इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे मेयो एंड केचप। और ये रेडी है हमारा सुपर इजी एंड टेस्टी चिकन वेजीज कटलेट। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इसकी फोटो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। आपकी सेंड की हुई फोटोज और फीडबैक सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है और आपके वर्ड्स हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छी वीडियोस और रेसिपीज बनाने के लिए। सो प्लीज कीप डूइंग दैट एंड कीप सपोर्टिंग अस। अब वक्त है फोटो ऑफ द डे का। आज की ये फोटो हमें सेंड किया है यूनुसपुर से मोहम्मद उस्मान ने। आप भी होममेड स्प्रिंग रोल शीट्स और वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप भी मौका पा सकते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में फीचर होने का। सिंपली आप हमारी बनाई हुई डिश को ट्राई करिए और उसकी फोटो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करिए और हम आपकी फोटो को हमारी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग और मजेदार रेसिपीज के साथ। टिल देन, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग।